हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंस्ट्रेंट के बारे में बताऊंगा कि माया के जो कंस्ट्रेंट हैं किस तरीके से यूज करते हैं। ये बहुत पावरफुल कमांड्स होते हैं, इनको हम रिगिंग के ड्यूरिंग यूज करते हैं कंस्ट्रेंट। सो ये सभी कंस्ट्रेंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से यूज़ करते हैं, वन बाई वन हम लोग चलो देखते हैं। तो ये रिगिंग सेक्शन के अंदर जो हमारा कंस्ट्रेंट मेनू है, जब हम टीयर ऑफ करके यहाँ देखते हैं, देखिए कंस्ट्रेंट का जो हमारा पैलेट है इसके अंदर पैरेंट कंस्ट्रेंट है, पॉइंट है, ओरिएंट है, स्केल है, एम है, पोल वेक्टर है, ठीक है। ये सभी हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो इन अलग अलग कंस्ट्रेंट्स को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं इसको मैं वन बाय वन बताऊंगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेंट कंस्ट्रेंट से। पैरेंट कंस्ट्रेंट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, देखिए कंस्ट्रेंट को यूज करने का सबसे बेस्ट क्या तरीका होता है, हम कंस्ट्रेंट को किसी कंट्रोलर के थ्रू ही लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, अब इसको एनिमेट करना है, तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं एनिमेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर किस तरीके से, या तो हमारा कोई ऐसा कंट्रोलर होगा जो नॉन रेंडरेबल होगा। नॉन रेंडरेबल मतलब ये रेंडरिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग सर्कल ले लेते हैं, जो हमारे कर्व होते हैं और नॉन रेंडरेबल होते हैं, ठीक है। सर्कल ले लिया, अब देखिए इस सर्कल को हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग पैरेंट कंस्ट्रेंट करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले जब भी हम कंस्ट्रेंट करते हैं तो हम देखेंगे जो हमारा कंट्रोलर होगा उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे, फ्रीज ट्रांसलेट और सेंटर पिवट कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कोई हिस्ट्री नहीं रहेगी, हिस्ट्री भी हम लोग डिलीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग कंट्रोलर को सेलेक्ट करेंगे, देन उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, ओके। उसके बाद पैरेंट कंस्ट्रेंट के जो है ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे हमारे बहुत से कमांड है। तो मेन हमारा कमांड जो होता है मेंटेन ऑफसेट होता है, यहाँ पे जो है मेंटेन ऑफसेट है, इसको चेक कर देता हूँ, टिक करके अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए आउटलाइनर में देखेंगे एक हमारा ट्रांसलेट है और जो रोटेशन है चैनल बॉक्स है एक अलग कलर का दिखने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके जो शेप नोड है, यहाँ पे एक हमारा पैरेंट कंस्ट्रेंट का एक कमांड लग गया, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नाम, देन पैरेंट कंस्ट्रेंट। और आउटलाइनर में देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का एक चेन दिख रहा है जिसमें पैरेंट कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, जिसका मतलब हमारा कंस्ट्रेंट जो है अप्लाई हो गया। अब इस कंस्ट्रेंट के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, बस इसमें हम लोग रोटेट और ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पैरेंट कंस्ट्रेंट को हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं, रोटेट कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इसके अंदर, देखिए जब हमने पैरेंट कंस्ट्रेंट लगाया था मेंटेन ऑफसेट जो है चेक करके लगाया था, अब उसके बाद एक और हमारा इसको अनचेक करके किस तरीके से लगाते हैं, जो ये हमारा स्पेयर है इसको मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट किया मैंने कंट्रोलर, उसको सेलेक्ट किया, देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और मेंटेन ऑफसेट को जो है मैंने अनचेक कर दिया और अप्लाई किया। तो ये देखिए ये क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट दूर था वो क्या हुआ, वो स्नैप होके उस कंट्रोलर की जगह पे आ गया जहाँ पे हमारा कंट्रोलर है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस कंट्रोलर के पोजिशन पर आ गया, ठीक है इस तरीके से। और देखिए इसके सेंटर में आ गया, जो हमारा कंट्रोलर है उसके सेंटर में आ गया यहाँ पे, इस तरीके से ये हमारा मेंटेन ऑफसेट जो है वर्क करता है।